हेलो ऑल दिस इज सानवी शर्मा आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्नी जय माता दी आप सबको कल से नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू होने जा रहा है सो so, इस नवरात्रि पर मां आपको माँ दुर्गा मां भगवती आपको क्या ब्लेसिंग्स क्या मैसेजेस देने वाली है आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो देखेंगे माँ की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या हैं वो देखेंगे हाईली इंट्यूटिव रीडिंग रहने वाली है मां की हर गाइडेंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा समझेगा और मैं मां से प्रार्थना करती हूं कि आप सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो आपके जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप सबकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करें अपना आशीर्वाद आप अपना प्यार मां आप सबके ऊपर बनाए रखें सो so, यहां पर मैंने मां की प्रेजेंस में अपनी गाइड्स की प्रेजेंस में ऑलरेडी कार्ड्स निकाल लिए हैं पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है एक माँ काली का यंत्र कार्ड है एक काम ऑफ काली का कार्ड है सो so, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिएगा दिस इज पाइल नंबर वन एंड दिस इज पाइल नंबर टू दोनों कार्ड्स को देखकर अपनी आईज क्लोज कर लीजिए आंखें बंद करने के बाद आपको जो भी कार्ड नजर आता है आप उस कार्ड की पाइल को चूज कर सकते हैं मां से प्रार्थना कीजिए माँ आपकी मदद करेगी पाइल सिलेक्शन में सो दिस इज पाइल नंबर वन एंड दिस इज पाइल नंबर टू तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है मां क्या मैसेजेस दे रही हैं आपको क्या ब्लेसिंग्स है मां की तरफ से आपके लिए आइए देखते हैं एस ऑफ विंटर का, का कार्ड है नाइन ऑफ स्प्रिंग का, का कार्ड है सेवन ऑफ समर का कार्ड है ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है रीजेनरेटिंग रेन का कार्ड है मां काली का कार्ड स्वयं आया है निकलकर आप लोगों के लिए कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन का कार्ड है एक्सपेक्टिंग मेरेकल्स का कार्ड है यहां पर विजडम का कार्ड है अबंडस का कार्ड है पहले मैं ये कार्ड्स डिस्कस करती हूं उसके बाद मैं ये वाले कार्ड्स भी निकालूंगी मां के मैसेजेस और मां की ब्लेसिंग्स सब हैंड टू हैंड जाएगा साथ के साथ हम करेंगे उसको बताऊंगी मैं आपको सो सुनिए मां आपसे क्या कहना चाहती हैं आपसे ये कहना चाहती हैं कि अब अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में लीजिए जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं अब उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन आप खुद ब खुद निकाल पाएंगे आप खुलकर अपनी बातों को लोगों से कहते नहीं है इसी वजह से कही न कहीं ना कहीं उलझनों में फंसे रहते हैं सो so, आप आप मां की बात मानिए और जो भी आपको महसूस होता है जिस भी पर्सन के लिए आपको महसूस होता है उसे क्लियर कॉम्युनिकेशन कीजिएगा आपके पास जो आइडियाज होते हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं उन आइडियाज को अब आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने तक सिर्फ उन आइडियाज को नहीं रखना है अपने जिंदगी की कमांड को किसी के हाथ में मत सौंपिएगा ये मां आपसे कहना चाहती हैं मां आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप डर रहे हैं कि जिस भी चीज के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है वो चीज वो पर्सन वो सिचुएशन आपके हाथ से चली जाएगी चैलेंजेस जरूर है लेकिन आप जो डिजर्व करते हैं वो आपके हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता है आपकी खुशियों को मां किसी को छीनने नहीं देंगी हां पर मां का ये मैसेज भी है आपके लिए कि आपके आसपास के लोग वैसे नहीं हैं जैसा वो अपने आप को दिखाते हैं तो इसलिए अपने आसपास वाले लोगों से थोड़ा सा सावधान हो जाइए हर किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए नहीं तो आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटेगा लोग उतने अच्छे नहीं हैं, जितना अच्छा आप उन्हें समझते हैं मैं आपसे ये कहना चाहती हैं कि कर्म को करने से पहले ही रिजल्ट की टेंशन मत कीजिए आप अपने जीवन में पीछे की तरफ को अटके हुए इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं बना पाते हैं आपके जीवन के अंदर जितने भी कंफ्यूजन है उसका रीजन हर एक सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना है तो कुछ चीजें मां के ऊपर छोड़नी भी आपके लिए जरूरी है उन चीजों को मां के हाथ में छोड़कर उनके ऊपर विश्वास करके अपनी लाइफ के अब डिसीजन बनाने हैं आपको डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है मां आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रिस्क है इस रिस्क को लेकर ही आप आगे पहुंच पाएंगे मां आपको भरोसा दिलाती हैं कि अगर आप उन पर फेथ रख के ये रिस्क लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपकी नाव मझधार में नहीं फंसेगी इस नाव को किनारा मां जरूर देंगे मां आपसे ये कहना चाहती हैं कि अपने पास्ट में जो कुछ भी आपने देखा है हो सकता है बहुत पेनफुल रहा हो बट अब उस पास्ट को अपने जीवन से कंप्लीटली निकाल दीजिए वो आपका पास्ट था वो चीज आपका फ्यूचर कभी भी नहीं बन सकती है लेकिन अगर पास्ट में अटके रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को भी कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं सो अपने पास्ट की बातों को क्लियर कीजिए अपने प्रेजेंट को हील कीजिए ताकि आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाए ये मां का मैसेज है आपके लिए इस मैसेज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है आप खुद में शायद ये चीज को मानते हैं कि आप सिचुएशन से मूव ऑन कर जाते हैं या आपको अपनी सिचुएशंस को टैकल करना आता है बट माँ के मैसेजेस में ये चीज निकल कर आई है कि आपको अपने पास्ट को क्लियर करना है इसका मतलब आप अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज में अटके हुए हैं मां को ये ब्लेसिंग दे रही हैं कि मां का साथ आपको हर एक पल पर मिलेगा आपके जीवन के अंदर आप बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस होने वाले हैं इसलिए अपने भय को अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए जिसके सिर पर मां कालिक का हाथ है उसका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता अपने फियर्स को दूर कीजिए अपने आप को इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकालिए क्योंकि उससे आप अपनी पॉजिटिविटी को डाइल्यूट कर रहे हैं मां आपको ये मैसेज दे रही हैं कि अब बहुत सारे कार्मिक सिचुएशंस हैं आपके अराउंड अब वो धीरे 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 रिलीज होनी शुरू हो जाएंगे आपके जीवन के अंदर जो भी ड्रामा चल रहा है अब आप इस ड्रामा के बियॉन्ड मूव कर पाएंगे लेकिन कर्म आपको करने हैं आपको अपना रास्ता खुद तय करना है और अपने लिए अच्छी एनर्जी का चुनाव करना है किसी भी चीज को लेकर इतना नकारात्मक नहीं सोचना है कि आप उस कार्मिक सिचुएशन को रिलीज ही ना कर पाए मां आपसे ये कहना चाहती हैं कि मां तो आपके साथ हमेशा से रही हैं, लेकिन आपने अपने इंट्यूशन से उनकी आवाज को सुनने की ही कोशिश नहीं की है तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू दें क्योंकि आपके इंट्यूशन आपके फ्यूचर की कुछ झलक आपको दिखानी आपसे शुरू कर देगी आपको इंट्यूटिवली पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपका फ्यूचर किस तरह का रहने वाला है मां आपसे ये कहना चाहती हैं कि अब आपके जीवन के अंदर जो भी मेरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे वही मेरेकल्स होने जा रहे हैं आपकी जिंदगी एक फूल की तरह महकने वाली है इसलिए अपने आप को किसी भी सैड एनर्जीज में मत लेकर जाइए हर चीज का एक वक्त होता है और आपके जीवन के अंदर मिरेकल्स का वक्त आ गया है ये मां की ब्लेसिंग है आपके लिए कि अब आपके जीवन में आपको अबेंडेंस मिलने वाली है आपको हर एक चीज मां देंगी और उससे पहले आपकी एनलाइटनमेंट कंप्लीट होने वाली है आपकी अवेकनिंग कंप्लीट होने वाली है आपको वो विजडम मां की तरफ से मिलेगा जिसकी आपको इस जीवन में जरूरत है और वो चीज कंप्लीट होगी बहुत जल्द आप जो टेस्टिंग का टाइम है वो कहीं ना कहीं आपका खत्म हो रहा है जिस भी तरह की खुशियां आप मां से चाहते हैं उस तरह की खुशियां अब आपको मां ब्लेस कर रही हैं उन खुशियों से और देखते हैं मां आपसे ये कह रही हैं कि जितना भी कड़वा वक्त था जितना भी कांटो भरा वक्त था आपके जीवन का बीत चुका है अब आपको सिर्फ उनके ऊपर विश्वास रखना है और जिस तरह की गाइडेंस आपको उनसे मिलती जा रही है उस को करके अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है आप हमेशा से शायद माँ से पूछते आए हैं कि आपको आपके जीवन जीने का मौका कब मिलेगा और इस नवरात्रि माँ आपको आपके इस सवाल का जवाब देने वाली है कि आप आपके पास जीवन जीने का सबसे अनोखा मौका है और अब चैलेंजेस कम होने वाले हैं सिर्फ एक स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग रह गई है वो जो चीज अनफोल्ड होगी आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपके कई साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप एक राहत की सांस ले पाएंगे ठीक है मां आपसे ये भी कह रही है कि शायद आपने मेडिटेट करना बंद कर दिया है या फिर कम कर दिया है अपने मेडिटेशन के टाइम को बढ़ाइए क्योंकि आप जिस पेस पर आप मेडिटेशन करते हैं उस पेस पर आपको मां की तरफ से वाइब्स महसूस नहीं होती हैं उस वाइब को महसूस करने के लिए अपना मेडिटेशन का लेवल आपको बढ़ाना होगा ये माँ आपसे कहना चाहती है यहां पर होल्ड द स्पेस का कार्ड है एंड ट्रस्ट इन द अनून का कार्ड है मां आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप कहीं ना कहीं माँ से सवाल पूछते आए हैं कि आपके बुरे वक्त ने आपको बहुत कुछ तो सिखाया लेकिन आपको अकेला कर दिया उस बुरे वक्त में आपकी परछाई ने भी आपका साथ नहीं दिया तो मां आपके इस सवाल का जवाब भी आपको इस नवरात्रि पर दे रही हैं कि आपकी परछाई का आपसे अलग होना जरूरी था उन लोगों का आपसे अलग होना जरूरी था उन लोगों की असली परख आपको होनी जरूरी थी नहीं तो आप कभी मां से जोड़ ना पाते आपको जो विश्वास है यूनिवर्स पर मां पर उस विश्वास को आपको बरकरार रखना है और आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा वो इमोशंस जीने का मौका भी मिलेगा जो इमोशंस कहीं ना कहीं पास्ट में आपको ड्रेन करते आए हैं जो इमोशंस कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर से गवा दिए हैं वो इमोशंस जीने का वक्त आपको मिलेगा ठीक है मां आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप अनजान रास्तों पर चले लेकिन मां जानती थी कि वो आपको किस रास्ते पर लेकर जा रही हैं ये अनजान रास्ता ही आपको मां के बहुत करीब ले आया है और अभी इस अनजान रास्ते की जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है अभी इस रास्ते पर आपको और आगे की ओर बढ़ना है मां आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपने जितने शिदत से जितने फेथ के साथ मां की गाइडेंस को समझा मां ने आपका टेस्ट लिया और आपकी कमिटमेंट डिवाइन के प्रति चेक की मां के प्रति चेक की और उस कमिटमेंट में आप कहीं ना कहीं पास हो गए हैं और अब जो चीजें आप मां से मांगते आए हैं जो ब्लेसिंग्स आप मां से मांगते आए हैं आपको वो सभी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं उन लोगों का एक दूसरा चेहरा भी है जिसे कई बार आप इग्नोर कर देते हैं ऐसे जो भी लोग हैं जिन्हें आपसे जेलसी है जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं उन सब का विनाश मां करने जा रही हैं। अगर मैं इसे दूसरे लफ्जों में कहूं तो आपके सभी शत्रुओं का नाश मां करने जा रहे हैं और सिर्फ ऐसे शत्रु नहीं जिन्हें आप जानते हैं आपके जितने गुप्त शत्रु हैं उनका भी नाश मां करने जा रही हैं। ये ब्लेसिंग है मां की आपके लिए यहां पर ठहरा चक्रा का कार्ड है मां आपसे ये भी कहना चाहती हैं कि अपने जीवन को इस तरह से मत उलझाने की कोशिश करना कि आपका नाता मां से ज्यादा लोगों के साथ बन जाए आपने जितनी मेहनत अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में की है वो मेहनत आपको मां के करीब तो ले आई है लेकिन अब आपको इस जर्नी को मेंटेन करना होगा काम यहां पर खत्म नहीं होता है अब चीजें नेक्स्ट लेवल पर होंगी आपको मां की गाइडेंस बहुत करीब से महसूस करने को मिलेगी ओके डिटैच का कार्ड है एंड सिंपली लव का कार्ड है मां आपसे ये बात कहना चाहती हैं कि अगर आपकी भक्ति में आपका प्यार आपके रिलेशनशिप आएंगे तो मां आपको उन रिलेशनशिप से डिटैच करेंगी तो इस बात को वो लोग समझ सकते हैं जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं क्योंकि दुनियावी अटैचमेंट जब होती है तो हम कही कहीं ना मा कहीं मां को भूल जाते हैं और मां अब ये चाहती हैं कि जितना आगे आप बढ़ चुके हैं अब आप उस पीठ से पीछे को ना जाए मां ये चाहती हैं कि अब आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ें सो दुनियावी जीवन जीते हुए भी आपको सब लोगों के साथ अपनी उस तरीके की अटैचमेंट नहीं बनानी है जिससे कि आपको कोई हर्ट कर पाए आपको सिंपली प्यार पर यकीन होना चाहिए और मां के प्यार से बड़ा कोई प्यार आपको मिल नहीं सकता है मां के आप कहीं ना कहीं फेवरेट हो गए हैं मां आपके ऊपर कृपा तो बरसा ही रही है लेकिन आपको मां का प्यार भी मिल रहा है एक बच्चे को किस तरह से मां संभालती है वो इस एनर्जी में मैं महसूस कर पा रही हूं आपने अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत मेहनत की है जिन लोगों ने स्पिरिचुअली अपने आप को एक्टिवेट किया है अवेकन किया है उनसे ये रीडिंग ज्यादा रेजोनेट होगी ओके सो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड नियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ई मेल स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस करना मत कि आपको नए जाएगा उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूं, जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती है और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात आठ बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे पार्टनर की तरफ से उनकी करंट फीलिंग्स उनके अनकहे जज्बात उनके तरफ से आपके लिए लव लेटर रीडिंग येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ सो so आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सी फॉर पाइल नंबर टू जिन्होंने काम ऑफ काली चूज किया है कार्ड देखते हैं माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, माँ के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए तो पहला कार्ड यहाँ पर सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है द हाई प्रस्टिस का कार्ड है यहां पर सेवन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है इन द फ्लो का कार्ड है रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है यहां पर होप का कार्ड है कॉल टू एक्शन का कार्ड है एक्सेप्टिंग वॉट इज का कार्ड है स्टैंडिंग फर्म का कार्ड है प्लेजर का कार्ड है यहां पर वंडर्स का कार्ड है सोलमेट्स का कार्ड है यहां पर रीजनरेशन का कार्ड है और ये कुछ कार्ड्स हैं ये मैं बाद में रीड करूंगी ठीक है सो so, मां आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये दे रही है यहां पर कि आपके जीवन में अगर आपको कोई फाइनेंशियल इम्बैलेंस है तो वो खत्म होने वाला है आपने जो भी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है वो आप तक आप वापस आने वाला है आपके अच्छे कर्मों का फल अब आप आपको मिलने जा रहा है अगर बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हैं मां के ऊपर आप अटूट श्रद्धा रखते हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन तो कर्जे में ही डूबा पड़ा है वो कर्जा अब आप आपका उतरने वाला है कहां से पैसे आएंगे कैसे पैसे आएंगे इस बात की टेंशन आपको नहीं करनी है देने वाली वो है तो उन पर विश्वास रखिएगा अचानक से चीजें अब आपकी जिंदगी के अंदर बदलेंगी। पहले भी जो कुछ आपके जीवन के अंदर हुआ बहुत अचानक से हुआ और अब भी अचानक से बैलेंस क्रिएट होगा लेकिन मां आपको यहां पर एक चीज के लिए वॉर्न भी कर रही हैं कि अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसके परिणाम को पहले दिमाग में रखकर फिर ही एक्शन लेना है आपको आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पहले ही आपकी इंट्यूशन गाइड कर देगी तो अपने आप को इम्बैलेंस की ओर नहीं लेकर जाना है अचानक से चीजें शिफ्ट होंगी बैलेंस शिफ्ट होगा लेकिन इनस्टेबिलिटी की तरफ को नहीं होगा अपने आप को इनस्टेबल नहीं करना है अनस्टेबल एनर्जीज की तरफ को आपको मूव नहीं करना है मैं आपसे ये कहना चाहती है अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए आपका बिलीफ सिस्टम क्या है उस बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके आसपास वाले लोग आपको लेकर जजमेंटल हो जाएंगे अगर वो जजमेंटल हो रहे हैं तो उन्हें होने दीजिए आपको सिर्फ अपने लिए एक स्टैंड लेना है इस बात को समझ लीजिए ओके और आपको किसी के ऊपर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना है अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कीजिए अपने सीक्रेट्स आपको किसी को नहीं बताने हैं आप क्या कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं आपको कहां से हेल्प मिल रही है यह आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है मां आपको अशोरेंस दे रही है कि आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो एक डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है और हर एक चीज स्मूथ चल रही है आपकी लाइफ के अंदर स्मूथ चल रही है आपको अपने तरफ से रेजिस्टेंस की एनर्जीज शो नहीं करनी है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है आपके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा इस बारे में सोचना नहीं है आपको क्योंकि हर एक चीज ट्रैक पर है और आपसे ज्यादा आपकी चिंता मां को है सो आपको सिर्फ उनके ऊपर फेथ रखना है और मां आपको रेम्बो ब्लेसिंग से ब्लेस कर रही है माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि आज आपको शायद नजर नहीं आ रहा है कि आपके जीवन के अंदर क्या अच्छा होने वाला है लेकिन वो आपसे वादा करती हैं कि बहुत जल्द आपको अपने जीवन के अंदर ब्राइटनेस नजर आएगी आपके जीवन का ये जो ब्लैक एंड वाइट दौर है ये कलरफुल होने वाला है आप रेनबो के सभी रंग की एनर्जीज को एंजॉय कर पाएंगे और खुद को बैलेंस कर पाएंगे इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं हर एक फील्ड की ब्लेसिंग मिल रही है सेवन कलर्स की ब्लेसिंग का मतलब हर एक फील्ड की आपको ब्लेसिंग मिल रही है मां आपसे ये कहना चाहती हैं कि किसी भी चीज को लेकर आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है जिंदगी में होप नहीं छोड़नी है आपको अपने लिए प्यार का कर चुनाव करना है अपने डिवाइन वर्थ को अब समझना है आप मां के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं इस बात को आपको समझना है आप उनके कितने खास बच्चे हैं इस बात को आपको समझना है और अपने आप को क्रिटिसाइज करना अब आपको बंद करना है अपने आप को बिल्कुल भी अब क्रिटिसाइज नहीं करना है हर चीज का दोष अपने ऊपर नहीं लेना है मां आपसे ये कहना चाहती है कि लोगों को बोलकर ये मत बताइए कि आप ये कर सकते हैं या ये आप करना चाहते हैं आप करके बताइए आपकी कथनी से ज्यादा स्ट्रांग आपके कर्म होने चाहिए आपकी जो भी सिचुएशन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं उस सिचुएशन का चार्ज लीजिए आप जरूर दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे मां ये कह रही हैं आपको मां की सपोर्ट है आपको मां की ब्लेसिंग्स मा मिल रही हैं आपको लेकिन मां आपको ये भी कहना चाहती हैं कि एक्सेप्ट कीजिए जो भी आपके जीवन में आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए क्वेश्चन मत खड़े कीजिए कि क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा चाहे वो अच्छा है आपके अकॉर्डिंग चाहे वो बुरा है आपके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कीजिए खुली बाहों से एक्सेप्ट कीजिए आपको धीरे धीरे बाद में पता लगेगा कि जो कुछ आपके जीवन में हुआ वो क्यों हो रहा था वो किस डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना स्टैंड लेना है किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको अपने जीवन में अपने लिए स्टैंड लेना है आपको स्ट्रांग बनना है आपको ब्रेव बनकर अपनी हर मुसीबत का सामना करना है अगर आप इस तरह से स्ट्रांग बने रहेंगे और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे मां के ऊपर विश्वास रखेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा ये मैसेज है माँ का आपके लिए और इस मैसेज की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए आप एक बार फर्मली खड़े हो जाएंगे तो मां आप को सपोर्ट करेंगी वो आपकी बैक हमेशा बनी रहेंगी जब रावण से लड़ने श्री राम जी गए थे तो उन्होंने मां का यज्ञ किया था मां खुद उस रणभूमि में लड़ने नहीं आई थी लेकिन एनर्जी की फॉर्म में मां की सपोर्ट श्री राम जी के साथ थी इसी तरीके से माँ आपको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अगर आप अपना ही स्टैंड नहीं लेंगे तो वो सपोर्ट की एनर्जी वेस्ट जाएगी आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि मां आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके जीवन के अब अच्छे पल आप जी पाएंगे प्लेजर की एनर्जी में बहुत जल्द आप एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं ये मां की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए अचानक से अब आपके जीवन में एक बूस्ट आने वाला है आपने उस सीढ़ी पर अपना पहला कदम रख दिया है जो सीढ़ी आपको आनंद की ओर ले जाएगी ये रास्ता बीच बीच में कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज लेकर आएगा लेकिन वो चैलेंज को पार करने में मां आपकी पूरी मदद करेंगी और आपके जीवन के अंदर वंडर्स होने वाले हैं चमत्कार होने वाले हैं आप सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा भी सॉल्यूशन निकल सकते हैं आपको ऐसा लगेगा कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप तो एक ड्रामा देख रहे हैं और करने वाला कोई और है इस बात का एहसास अब आपको होगा मां अब आपको आपकी जो जीवन का भवर चल रहा है जिस भवर में आप अटके हुए हैं वहां से आपको निकालने वाली है वो आपको फ्रंट पर रखकर आपकी बैक बनकर आपको इस साइक्लोन से निकाल लेंगी जिस भवर, जिस भवंडर में आप फंस गए हैं अब वक्त बदल रहा है आपके लिए जहां पर आपने पॉजिटिविटी की उम्मीद ही छोड़ दी थी वहां पर अचानक से आपकी लाइफ के अंदर अलाइनमेंट आनी शुरू हो जाएगी ये मां की ब्लेसिंग्स हैं आप उस राख में से भी उठ खड़े होंगे जिस राख में कहीं ना कहीं आप भस्म हो चुके हैं वो आप ही की राख है उसमें से आप कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाएंगे ऐसे हालात आपके बनने वाले हैं सोलमेट्स का कारण है आप शायद अपने रिश्तों में सबसे ज्यादा धोखा खा चुके हैं और उन धोखों के साथ कुछ सवाल भी जुड़े हुए हैं आपकी खुशियां जुड़ी हुई हैं वो खुशियां आपको आपकी लाइफ में जरूर मिलेंगी और जिस पर्सन ने आपको इमोशंस की टर्म्स में बहुत ज्यादा हर्ट किया है उस पर्सन को उसका कर्मा मां देने वाली है यहां पर मिरर गार्डियन का कार्ड है मां आपसे ये कहना चाहती हैं, ये मैसेज है उनका जितना आप पॉजिटिव रहेंगे जितना आप मां पर यकीन रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी जितना आपको आपके जीवन में डाउट होगा उतना ही सामने से आपको इल्यूजन मिलेगा इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले यूनिवर्स की तरफ कोई भी एनर्जी डायरेक्ट करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा ऑटम का कारण है मां आपसे ये कहना चाह रही हैं, अब आपके पुराने बिलीफ सिस्टम टूटने वाले हैं आपको जिंदगी का एक ऐसा अनुभव मां करवाएंगी कि जो पत्ते सूख चुके हैं आपके जीवन के उन पत्तों को मां गिरा देंगी और नए पत्ते निकल पाए आपके इस जीवन के पेड़ में से इस तरह की पॉसिबिलिटीज मां आपके लिए क्रिएट करेंगी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए मैं आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप जो वो आपको गाइडेंस देंगी उस गाइडेंस को आपको किसी के माध्यम से रिसीव करना होगा और अब धीरे धीरे जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं वो आपसे दूर होते जाएंगे इस दुख में आपको खुद को नहीं डुबाना है कि आप अकेले हो रहे हैं अकेलापन ही आपको सक्सेस देगा आपको किसी भी चीज के लिए हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प एट हैंड मिलेगी मां किसी ना किसी फॉर्म में आपकी हेल्प करेंगी आपको सिर्फ दिल से मां को याद करना है मां को क्वेश्चन नहीं पूछने हैं उनसे मदद मांगनी है मां आपको संभालने के लिए तैयार है सिर्फ आपको उन्हें अपनाना है आपके इमोशंस जिनका आपको बहुत दुख है कि लोग आपके इमोशन से खेल जाते हैं लोग आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं इन इमोशंस को लोग पाने के लिए तरसेंगे अब ऐसा वक्त मां आपके लिए लाने वाली है लेकिन आपको अगर अपने दिल में किसी के लिए इमोशन रखने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मां के लिए होने चाहिए बाकी हर प्यार झूठा है मां के साथ जो बंधन आपका बनता है उससे बड़ा सच कोई भी नहीं है मां आपको ये कहना चाहती हैं कि आप धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और मां आपको इंट्यूशन के जरिए कुछ मैसेजेस देंगी इसलिए हर रोज कुछ वक्त आपको निकालना होगा जहां पर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज सुन पाए जहां पर आपके आसपास कोई और शोर ना हो और अगर मां के दिखाए हुए रास्तों पर आप चलते जाएंगे अलग अलग पाथ आपको मां दिखाएंगे अलग अलग वक्त पर आपके सभी सपने जरूर साकार होंगे क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब इस साइकिल का एंड होना चाहिए जिस साइकिल में आप फंसे हुए हैं तो मां आपको ये गाइडेंस दे रही है कि मां की बात को आपको सुनना है उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है और उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है और ये सब कुछ करने के लिए आपको मां का कोई एक मंत्र जाप स्टार्ट करना है और वो मंत्र जाप या तो माता महागौरी से रिलेटेड हो सकता है या फिर माता महाकाली से रिलेटेड हो सकता है ये आपको स्टार्ट करना है इस नवरात्रि पर स्टार्ट कीजिएगा और एक लाख पच्चीस हजार मतलब सवा लाख आपका अनुष्ठान आप कीजिएगा मां जो भी आपको गाइडेंस देना चाहती हैं वो आपको डायरेक्टली मिलेंगी ओके सो आई होप जिन्होंने पायल नंबर टू चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ई मेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आई स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी डारो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात आठ बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ आप so, प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरा एक नया चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनकी तरफ से लव लेटर रीडिंग्स उनकी तरफ से उन के अन कहे और नो पेंडुलम रीडिंग्स ऐसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सीयूसू